फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध साइंस कोचिंग। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री 11th क्लास का मैथ में, 11th के मैथ में ट्रिगोनोमेट्री जो शुरुआत किए थे उसमें कुछ बेसिक बातें बताए थे, और हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज कौन सा पढ़ेंगे? 3.1 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। तो 3.1 एक्सरसाइज में, जैसे त्रिकोणमितीय फलन ट्रिगोनोमेट्री किसी को बोलते हैं, जो 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जो आपको जानना ज़रूरी है उसको बारे में मैंने लिख रखा है। ये आप लोग पिछले क्लास में ही मैंने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बोलते हैं इसको। इसको ऐसे लिखते हैं, पाई रेडियन, इसको भी लिख सकते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लैंग्वेज में लिखें तो पाई रेडियन 180 डिग्री, तो इसको पाई रेडियन पढ़ेंगे 180 डिग्री। अगर एक रेडियन बोले तो 180 बटा पाई, एक डिग्री बोले तो पाई बटा 180। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक डिग्री इक्वल टू फिर 60 मिनट, पढ़ने के लिए मैं लिखा एक डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, एक मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। फिर उल्टा करके लिखो, देखो अब यहाँ से एक मिनट निकाले तो एक मिनट निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/60 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से देखो, 1 सेकेंड तो 1/60 सेकेंड लिखा हूँ, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। तो इसकी प्रयोग हम अभी सिखाने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके भी थे, लेकिन एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। क्या एनसीईआरटी किस चीज़ का है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। देखिए पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेडियन मेजर, मैंने रेडियन में निकालना है द फ्लोइंग डिग्री मेजर, मैंने डिग्री को रेडियन बदलना है। क्वेश्चन यही समझिए कि आपको जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए, कि क्वेश्चन क्या है, डिग्री से रेडियन में बदलो, रेडियन में बदलो। हिंदी मीडियम के बुक में लिखा है आपके पास तरह से। तो ये 25 डिग्री है, तो देखो सिंपल मैं कैलकुलेट करने के लिए, देखो मैं बताता हूँ कि डिग्री से जब रेडियन में बदलना रहे, डिग्री से रेडियन में, तो देखो डिग्री से किस में बदलना है, रेडियन में, तो पाई बटा 180 से गुना कर दो। तो यहाँ से फटाफट क्या कर दो आप, पाई बटा 180 से गुना कर दो। ठीक, तो अब यहाँ से काटोगे तो ये कुछ कटेगा, ये तो 25 से डायरेक्ट नहीं कटेगा, तो 5 × 5 = 25 कटेगा, ये 36 × 180 हो जाएगा, होगा ना। तो क्या हो गया, 5 π/36। क्या अगर इसको रेडियन में लिखो तो इस तरह से रेडियन में लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो इसको 5 π/36, यहाँ सी करके रेडियन, तो ऐसे लिखो या तो फिर ऐसे लिखो। ये पहला क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो यहाँ थोड़ा क्वेश्चन गजब दिख रहा होगा आपको, 47 डिग्री 30 मिनट है, थोड़ा कष्ट होगा लेकिन घबराना नहीं, घबराना नहीं, माइनस से तो बिल्कुल नहीं घबराना, माइनस को बाहर रहने देना। देखना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में बनाता हूँ, पहले ये दोनों को बना देता हूँ उसके बाद बनाऊँगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको देख लो पहले, ये क्या है, 240 है, तो इसको भी क्या करोगे, डिग्री हटा करके पाई बटा 180 से गुना कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 3 मरते कट जाएगा, 8 × 3 = 24, ये भी 6 × 3 = 18, तो यह कटेगा, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, कितना हो गई, 4 π/3 हो गया, हो गया ना। तो ऐसे रेडियन में ऐसे लिख दो, या इसको ऐसे लिखो 4π/3 शॉर्ट में रेडियन दे दो। ठीक है, इसको देख लो, तो इसको क्या करोगे, 520 × फिर से π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर से देखो एक कैंसिल, देखो तो ये 4 मरते कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 मरते कटेगा, तो इसको 26 × 2 = 52, 9 × 2 = 18, और तो कटेगा नहीं, तो क्या हो गया, 26 π/9 रेडियन। ठीक है, यही हो गया, या 26 π/9 रेडियन, ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, जैसे इच्छा हो। ठीक है, तो इसको फटाफट आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो फिर इसमें अब बताइए। इसके आगे भी हम आप पढ़ाने वाले हैं, इससे आपको समझ में ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए ये जो 26 π/9, एक क्वेश्चन मैं यहाँ छोड़ा था, इसको अब कैलकुलेट करता हूँ क्योंकि स्पेस वहाँ पर कम था। देखो तो इसको तो माइनस है, तो -47 लिख दो, डिग्री है और 30 मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखता हूँ,
अब बताओ हमको, ये दोनों अलग अलग है ना, तो इसको बीच में अगर प्लस का भी चिन्ह दे दें तो क्या जुटेगा? नहीं जुट पाएगा। हम बदले कैसे? तो पहले देखो, या तो ये भी डिग्री में हो जाए, ये भी डिग्री में, तो जुट जाएगा, या इसको भी मिनट में बदल देंगे तो जुट जाएगा। तो मिनट में तो बदलना नहीं, हमको तो बदलना है किस में? रेडियन में। इसको डिग्री में बदलो पहले, 47 डिग्री प्लस 30 इंटू, तो मिनट को डिग्री में बदलने क्या होता है? देखो, एक मिनट इक्वल टू एक वटा 60 डिग्री है ना, एक मिनट इक्वल टू एक वटा 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या करोगे, एक वटा 60 से गुना कर दोगे, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? अब ये किस में हो जाएगा? डिग्री में। 30 दूनी 60, कितना हो गया? 47 डिग्री प्लस एक बटा 2 डिग्री है ना। अब बताओ, 47 इंटू 2 94 प्लस 1 95 बटा 2 डिग्री हो गया ना। अब देखो, ये डिग्री जो हो गया, रेडियन में बदलना है ना, तो रेडियन बदलने क्या करोगे? माइनस 95 बटा 2 इंटू, डिग्री को किस में बदलना है? नहीं तो पाई बटा 180 से गुना कर दो, पाई बटा 180 से। तो ये हो जाएगा 19 पचे 95 36 पचे 180। तो क्या हो गया यहाँ से? 19 पाई बटा 72 रेडियन। समझ में आया? ऐसे लिख दो, या इसी को कैसे लिख सकते हो आप? 19 पाई बटा 72 रेडियन, ऐसे लिख दो। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जवाब हुआ, इसको आप फटाफट नोट कर लो, ठीक है? उसके बाद अगले क्वेश्चन हम बनाते हैं, इसको फटाफट नोट करो। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप इसको नोट करो। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, सेकंड क्वेश्चन में भी चार क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है आपको कि रेडियन में देल है, डिग्री में बदलना है, यानी रेडियन से डिग्री में बदलना है क्वेश्चन, यही समझिए है, ठीक है? हिंदी मीडियम के लिए मैं लिख लिया शॉर्ट में। अब देखो, ये रेडियन में देल है, ठीक है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ कुछ होता नहीं हमारे समझ से, बस सॉल्यूशन करने का फेरक है। तो देखिए, ये क्या है? 11/16 एक तरह से समझो रेडियन में, किस में है? रेडियन में। तो रेडियन को ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखो, रेडियन को डिग्री में बदलने क्या करते हैं हम लोग? रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना करते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो क्या करेंगे? 11/16 इंटू 180 बटा पाई, ठीक है? तो अब ये आएगा किस चीज़ में? डिग्री में, एक तरह समझें, ये सर्व क्या आएगा? डिग्री में आएगा। को कैसे डिग्री में आएगा? क्योंकि डिग्री में है, तो डिग्री से मैंने रेडियन से डिग्री में, तो ऐसे आंसर कभी देखा गया? नहीं देखा, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा समझना यहाँ से। 11/16 इंटू 180 बटा पाई का मान रख दो यहाँ, 22/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर में। ये किस में है? अभी डिग्री में, किस में है? डिग्री में। देखो, तो ऐसे थोड़ी होता है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपके पास। देखिए, कटेगा, देखो कटेगा तो काट दो, ये आपके पास 11/22 और 90/180, 11 से 11 कैंसिल, और कटेगा ये 8/16, 45/90, यही ना होगा? तो आपके पास कितना आ गया? 45 × 7/8 कौची में आ गया? डिग्री में आ गया, ठीक है? अब देखो, कैलकुलेट कर दो, 7 × 5 = 35
और 728 दिन 31/8 कुछ में डिग्री में भाग दे दो 8 × 32 कटेगा नहीं, तो 8 × 7 = 28 28 होगा ना, देखो भाग दे देते हैं थोड़ा हम, देखो 315 है भाग दे दो 8 तो कितना मरते 7 मरते, तो कितना होगा 28, कितना होगा 3, 5 8 × 32 तो कितना होगा 3, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो 74.3/8 तो इससे इसे गुना करके इसको, यानी ऐसे लिख सकते इसको 74.3/8 डिग्री, तो क्या होगा अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 74+3/8 भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा, इसको भी करोगे तो यही आएगा। देखो इसको थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाते हैं, देखो कैसे इसको ऐसे लिखें 74° + 3/8 डिग्री, तो देखिए ये तो डिग्री में बिल्कुल ठीक है, ये लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा डिग्री कभी नहीं होता, देखा थोड़ा 3/8 डिग्री का कोण बना ऐसा नहीं कोई बोलते हैं, तो इसको और छोटा क्या होता है, तो डिग्री से छोटा आपके पास मिनट होता है, मिनट से छोटा आपको सेकंड होता है, वो पहले क्लास में मैंने पढ़ चुके हैं। तो देखिए एक डिग्री की जगह कितना रखोगे 60 मिनट, तो यहाँ से कर सकते हैं ना 74° + 3/8 है, तो डिग्री से सेकंड बदल मिनट में बदलना है, तो कितना कर दो 60 मिनट कर दो, क्यों 60 मिनट किए, कैसे किए, तो डिग्री को कन्वर्ट किए मिनट में। अब देखो यहाँ से तो क्या होगा, कुछ कटेगा क्या देख लो, तो 2 × 8 15 × 60 तो कितना हो जाएगा 15 × 45/2 ओची में आया है ये बाबू, ये आया है मिनट में, किस में आया है मिनट में, ब्रैकेट में लिख देना, चूँकि 1° = कितना 60 मिनट, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करने के। अब इसको और तोड़ोगे तो क्या होगा 74° + तोड़ोगे तो क्या होगा 22.1/2 मिनट, इसको और तोड़ोगे तो क्या होगा 74° + कितना 22.1/2, तो ये सब किस में है मिनट में है, तो क्या होगा 74° + 22 मिनट + कितना 1/2 मिनट, तो 1/2 मिनट भी नहीं रहेगा, फिर सेकंड बदलेगा 74° + 22 मिनट + 1/2 × 60 सेकंड, चूँकि 1 मिनट = 60 सेकंड, तो क्या होगा 2 से कट जाएगा 30 मरते, कितना हो गई 74° + 22 मिनट + 30 सेकंड, क्वेश्चन में आया, तो इसको ऐसे लिखो, यानी कितना है 11/16 रेडियन को ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं देगा आंसर, तो क्या करोगे, तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो इसको कि 11/16 रेडियन इक्वल टू, तीनों तो आपस में जुटेगा नहीं, तो क्या होगा 74° / 22 मिनट + 30 सेकंड, ये आपके पास आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन टफ है मानते हैं, लेकिन आसान बनाना तो आपके हाथों में थी, क्या किया मैंने 11/16 को 180/π से गुना किया, 180/π को गुना कर करके हम लोग क्या किया, तो उसके बाद मैंने क्या किया सब कैलकुलेट किया 22/7 रख करके, तो ये डिग्री में आया, डिग्री को तोड़ा, तो तोड़ा तो फिर आपको इस तरह से डिग्री में आया, ये डिग्री को फिर से मैंने मिनट में बदला तो 60 से गुना किया, फिर इस तरह से आया मिनट में, तो मिनट को मैंने सेकंड में बदला, और कुछ तो किया नहीं, इतना ही तो मैंने किया हूँ। चलिए एक क्वेश्चन आपके पास और है, आसान ही है, बस थोड़ा सा समझना है, जैसे सेकंड क्वेश्चन इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको आराम से वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए नोट कर लीजिए फटाफट, तब तक मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है
वो क्या है, 4 रेडियन है। क्या है? 4 रेडियन। तो 4 रेडियन को लैंग्वेज में लिखे या ना लिखे, क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया था। तो 4 रेडियन है तो क्या होगा, रियल में 4 रेडियन ऐसे हो संकेत में। तो 4 रेडियन है तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, 180 डिग्री बटा पाई चाहिए। अब इसको फिर से कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 4 गुना 180 बटा 22 बटा 7, 7 ऊपर, ये सब अभी किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, डिग्री में हो रहा है। किस में? डिग्री में। गुना करो तो 11 दूनी 22, 90 दूनी 180, और कुछ तो गुना होने वाला नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 728, ये कितना है 90 है, तो इसको गुना कर दो, 9 8 72 के 2 बाकी 7, 9 दूनी 18, 7 68 15, यानी कितना हो जाएगा 1520, कितना हो जाएगा 1520। इसी ध्यान देना, कहीं कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक नज़र आवे तो उसको फिर से देख लेना। देखो 1500 या 2500 शायद होता है, ध्यान दो। देखो ना 728, तो 28 इंटू कितना है 90, तो ये 0 हो जाएगा, 9 8 72 के 2 बाकी 7, 9 दूनी 18, 7 25, ठीक है 2520 होगा। तो क्या हो गया, 2520 बटा 11 कोची में डिग्री। इसको फिर से तोड़ो, तो इसको तोड़ोगे तो किससे डिवाइड दोगे, 2520 को 11 से, तो 1 मरते के 2 मरते, तो 2 मरते तो क्या होगा 22, तो कितना आ जाएगा 3 2, तो क्या होगा 2 22 कितना होगा 10, और ये कितना होगा 100, तो 11 नमन 99, 99 तो 229 होगा, तो कितना बचेगा 1। तो इसको पूर्णांक में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 229 पूर्णांक 1 बटा 11 कौची डिग्री। इसको और तोड़ोगे तो क्या, 229 प्लस 1 बटा 11 डिग्री, और तोड़ोगे तो 229 डिग्री प्लस 1 बटा 11 डिग्री। अब इसको फिर से लेके चलो तो क्या हो, 229 डिग्री, 229 डिग्री प्लस 1 बटा 11, तो इस डिग्री में है, इसको मिनट में तोड़ो, 1 बटा 11 डिग्री तो लिख नहीं सकते, तो मिनट में लिखोगे तो कितना 60 मिनट। तो यहाँ लिख देना फिर से तुम, चूँकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है, तो 1 बटा 11 डिग्री इक्वल टू इतना मिनट, तो कितना हो गया 229 डिग्री प्लस 60 बटा 11 मिनट। अब इसको फिर से सेकंड में बदलना पड़ जाएगा आपको, तो देखिए क्या होगा बताओ, 229 डिग्री प्लस 11 पच्चे 55, 5 बटा 11 क्या मिनट, 229 डिग्री प्लस 5 प्लस 5 बटा 11 मिनट, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5 बटा 11 मिनट, कितना होगा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, फिर 5 बटा 11 को कितना से गुना करोगे, 60 से गुना करोगे, तो 60 सेकंड में हो जाएगा कन्वर्ट। तो यहाँ से फिर से लिखोगे तुम, चूँकि क्या 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। देखो तो यहाँ से कितना होगा, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, तो कितना हो जाएगा प्लस 300 बटा 11, ठीक है, तो कोची में आ रहा है मेरे दोस्त, सेकंड में आ रहा है। अब सेकंड से ज़्यादा तो कुछ होता नहीं, तो इसको लगभग में लिखना पड़ जाएगा आपको, ये कितना का आ रहा है, 4 रेडियन को आ रहा है लिखते लिखते हम लोग, तो 4 रेडियन बराबर कितना होगा, इसको भागा देना, तो 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस, देखो तो 300 को 11 से डिवाइड करो, तो 11 दूनी 22 80, तो 11 सत्तर कितना हो जाएगा 77, ठीक है ना, 3 बच जाएगा, तब इन लगभग में आपको लिया जाता है यहाँ, तो देखो लगभग कितना मरते कट रहा है 27 मरते, तो आप इसको 27 यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 27 सेकंड, लेकिन यहाँ लिख देना लगभग, कितना लगभग। तो हो गया आपके पास 4 रेडियन इक्वल टू 229 डिग्री प्लस 5 मिनट
तो 5 मिनट प्लस तो होगा नहीं, 5 मिनट 27 सेकंड, लेकिन यहाँ लगभग लिखना ना भूलें, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर होगा, ठीक है, ये चीज़ नोट कर लो। ये कंप्लीट हो गया, कौन क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और ये क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है। चलिए ये हो गया, तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन तो आसान है, आपसे बन गया होगा, देखिए देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है आपका 5π/3, तो 5π/3 को डिग्री में बदलोगे तो क्या होगा, 5π/3 गुना कितना करना है, 180π से, पाई से पाई कैंसिल, 3 × 6 = 18, 6 × 5 = 30, यानी 300 डिग्री हो गई। सिंपल था, ये आसान था, कोई दिक्कत नहीं था। चौथा भी आसान है आपके पास, कितना है, 7π/6, क्या करोगे, 7π/6 इंटू 180 बटा पाई, पाई पाई कैंसिल, 6 × 18, यानी 7 × 21, 210 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका सेकंड कंप्लीट हुआ, इसको फटाफट नोट करो, ठीक है। सेकंड में चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसको आराम से नोट करो। रोकना, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हुआ, तीसरा की ओर आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, तीसरा में थोड़ा लैंग्वेज है, मैं प्रयास करूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने का, ठीक है, इसलिए इसको नोट करते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन संख्या 3 थोड़ा सा अलग है, लैंग्वेज बेसिस है, लेकिन आपको हड़बड़ाने घबराने की ज़रूरत नहीं। देखिए इंग्लिश में देखिए तो इंग्लिश में, हिंदी में देखिए तो हिंदी में, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। हिंदी मीडियम वाला हिंदी पढ़ो, इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ो। कह रहा एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। देखो ध्यान देना, जब पहिया है तो गोल होगा, चक्का साइकिल का, कार का, गाड़ी का, जो भी हो। तो ध्यान दो, ये एक चक्कर जब पूरा लगाएगा एक बार तो कितना डिग्री, एक चक्कर एक रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री, एक रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री। लेकिन ये 1 मिनट में, या ऐसे लिख सकते हो, हम जानते हैं कि एक, हम जानते हैं कि पहिया के एक चक्कर में 360 डिग्री होता है, क्योंकि पहिया 1 मिनट में, चूँकि पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, अति 360 चक्कर लगाता है, चूँकि पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो चूँकि पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, एक चक्कर में 360 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में 360 चक्कर, ध्यान दो, 1 मिनट में 360 चक्कर, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 1 मिनट में, इसीलिए 1 मिनट में 360 चक्कर, ध्यान दो, तो एक, इसीलिए 1 मिनट कहें या 60 सेकंड कहें, 1 मिनट, या इसी को कह सकते हैं 60 सेकंड, इसीलिए 60 सेकंड में पहिए द्वारा बनाया कौन, 60 सेकंड में पहिए द्वारा बनाया गया कौन कितना होगा बताओ,
फिर से समझो, एक चक्कर तो 360 डिग्री और 360 चक्कर तो कितना, 360 × 360 डिग्री, 360 चक्कर लगा चुका है। बताओ ये कितना डिग्री में मेरे दोस्त, अरे कितना मिनट में, तो एक मिनट में, कितना सेकंड में, तो 60 सेकंड में। तो बताओ एक सेकंड में कितना होगा, तो एक सेकंड में पहिए द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, तो 360 × 360 डिग्री बटा 60 हो जाएगा, क्योंकि एक सेकंड निकाल रहे हैं 60 सेकंड की जगह, तो क्या हो जाएगा, ये 60 से 6 मरते कटेगा। देखो थोड़ा सा और स्पष्ट में कर दूं जिससे आपको अच्छा लगेगा, देखो 360 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं आप, ये भी 360 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं, लेकिन इस 360 को 2 पाई नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि डिग्री में है तो 2 पाई रेडियन में लिख सकते हैं, तो इस 360 को भी लिख सकते हो, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, 6 × 2 पाई रेडियन, तो यहाँ से क्या हो गया, यानी कि कह सकते हैं कितना, 12 पाई रेडियन। समझ में आया, अगर ऐसे नहीं समझ में आया मान लो, तो फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सब अगर आप नहीं लिखते हो तो नीचे में क्या लिखोगे, आप लिखोगे ना 36 × 72 यानी 720 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेडियन में माप याद करो, तो रेडियन को डिग्री कन्वर्ट करने के क्या करते हैं, 1 π/180 से गुना, तो यहाँ से कर दो आप 720 × π/180 है ना, तो हाँ 72 नहीं होगा दोस्त, गुना करना पड़ेगा, या ऐसे ही देख दो, ऐसे कितना, 6 × 360 डिग्री, क्या होगा 6 × 360 × π/180 रेडियन, ठीक है, तो रेडियन में हो जाएगा, 180 से काट दो, 6 × 2 कितना हो गया, 12 π रेडियन, ऐसे लिखें 12 π रेडियन, ठीक है, यही आंसर होगा आपके पास, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज समझना था कि एक चक्कर में कितना डिग्री, 360 डिग्री या तो 2 π रेडियन, ठीक है, इसको फटाफट आप नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, अरे थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ की नंबर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये वीडियो छोटा मैंने बनाया हूँ, छोटा इसलिए बनाया हूँ कि छोटे छोटे आप आराम से देख पाएँ, और इसके आगे का पार्ट मैं एक और लूँगा, जो 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर है, वो एक वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो अगले क्लास में।